वेलकम टू माय एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने किचन में ब्रेड से और वेजिटेबल से बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मजेदार सी स्नैक्स तैयार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से ब्रेड और वेजिटेबल से मजेदार से स्नैक्स तैयार होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम 3 टेबल स्पून डालेंगे शिमला मिर्च फाइन चॉप की हुई, 2 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ टमाटर, 2 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ प्याज, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून मायोनीज, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, अब इसे कर देंगे साइड पे। 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे या आप कोई गोल सांचा ले लें, इसको इस तरह से हम दबाएंगे और ब्रेड का इस तरह से एक सर्कल निकल आया। इसी तरह से हम बाकी तमाम सर्कल भी अपने रेडी कर लेंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, इसमें 3-4 टेबल स्पून मैदा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने ज्यादा पतला नहीं करना बैटर, जैसा कि अच्छे से ये बैटर हमारा तैयार हो गया है तो अब हम इसे करेंगे साइड पे। ब्रेड का सर्कल पकड़ेंगे, वेजिटेबल जो हमने मिक्स की थी वो लगा देंगे और जो हमने ये मैदे का बैटर तैयार किया था इस तरह से इसके कॉर्नर्स पे लगा देंगे और ब्रेड का एक और सर्कल पकड़ेंगे इस तरह से, इसे लगा के इसे अच्छे से हम जोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये जुड़ गया है। इसी तरह से बाकी तमाम पैटीज भी तैयार करेंगे। अब तैयार किए हुए पैटीज इस मैदे वाले लिक्विड में हम इस तरह से इसे डिप करेंगे, अच्छे से डिप करना है और इसे हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छे से ये हमारा एक पैटी तैयार हो गया, इसी तरह से बाकी भी रेडी कर लेंगे। फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने पैन लिया है, ऑयल आप जैसा कि देख सकते हैं गर्म हो गया है तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे बहुत ही एहतियात के साथ और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरह से हम तीनों की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी सेम यही कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर बहुत ही अच्छा आया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, अच्छे से पहले इसका ऑयल रिमूव करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स माशाल्लाह से झटपट से हमारे ये ब्रेड और वेजिटेबल्स के पैटीज तैयार हो गए हैं। होप सो आपको ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।